हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का लखनवी पकवान चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा इजी और टेस्टी बिरयानी की रेसिपी बताऊंगी, जो बेसिकली एक अवधी बिरयानी है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और अब इसे अपने घर पे बनाएं। मैं 1/2 kg चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। उसी हिसाब से एक पतीला ले लीजिए और उसमें 4 tablespoon मस्टर्ड ऑयल ऐड करिए। आप इसमें तेज़पत्ता ऐड करें, फिर 8 बड़ी साइज़ की प्याज कट करके उसको भूनें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर उसके बाद उसमें 6 हरी मिर्च और 1 बड़ी शिमला मिर्च डाल के इसे भी अच्छे से 2 मिनट भूने। और फिर मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने चिकन को 2 बार में डाला है, और फिर आप भी इसी तरीके से बनाएं, तभी टेस्ट आएगा। और फिर उसके बाद अच्छे से इसको कवर करके रख दें। आप इसे 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दें। आप इसमें 3 tablespoon दही ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर 3 मिनट तक इसे पकने दें। और मसाले में आपको हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चिकन बिरयानी मसाला, चिकन तंदूरी मसाला और गरम मसाला मिक्स करना है। और हल्दी मैंने 1 teaspoon डाला है और बाकी मसाला मैंने 2.5 teaspoon के हिसाब से डाला है। नमक आप अपने हिसाब से डालें। मसाले को एकदम अच्छे से 2-3 बार मिक्स कर लें, फिर लो फ्लेम पर कवर करके 1 मिनट तक इसे पकने दें। फिर आपको एक पेस्ट बनाना है, जिसमें आपको 2 कच्ची प्याज, 1 अदरक और 2 लहसुन का पेस्ट बना के इसमें मिक्स करना है। तब तक अच्छे से इसे मिक्स करना और तब तक पकने देना है जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। फिर उसके बाद आपको अपने हिसाब से इसमें पानी डालना है। चावल बनाने के लिए आप बड़ा सा पतीला ले लें, फिर उसके बाद उसमें 5 tablespoon रिफाइंड ऑयल ऐड करिए, फिर उसमें 5 बड़ी साइज़ chopped onion ऐड करिए और तब तक फ्राई करिए जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर उसके बाद उसे थोड़ी सी साइड में निकाल के फिर उसी तेल में आपको जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी डालकर मिक्स करना है। और फिर हरी मटर और गाजर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर डालने के बाद आपको अपने हिसाब से पानी डालना है, जिस हिसाब से आपने चावल लिया हो। चावल कुक होने के बाद आपको कलर डालना है। फिर आपको बिरयानी की एक लेयर बनानी है। सबसे पहले आपको चावल डालना है, फिर उसके बाद चिकन की करी डालना है, फिर उसके बाद चॉप धनिया और फ्राई की हुई प्याज डालिए, और उसके बाद आप लेयर बनाते जाइए जब तक आपकी 2-3 लेयर बन ना जाए। और हर लेयर में आपको धनिया पत्ती और तली हुई प्याज डालनी है। लेयर फिनिश हो जाने के बाद आपको बिरयानी को लो फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे दम करना है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक और सजेशन, यू कैन गिव इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।